हेलो इंटरनेट, दिस इज़ अमित थपलियाल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में। गढ़वाल की इन हसीन वादियों से, गढ़वाल के एक कल्चर से, और आज त्यौहार है फूल दही का, तो बच्चे जो आने वाले हैं घर पे फूल डालने के लिए, तो इसलिए मैं जल्दी से सुबह उठ गया और अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसा वो कल्चर होता है और कैसे उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो उस बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और चलिए चलते हैं फिर और देखते हैं कि मतलब कैसा वो त्यौहार होता है और आपको दिखाते हैं उत्तराखंड का एक ब्यूटीफुल सा कल्चर, एक बहुत ही खूबसूरत सा कल्चर। तो ये है घोगा माता फूलदेई देवी की डोली। जोर से बोल रहे ये है आयुष डाल सब में डाल फर्स्ट क्लास। जय हो, हे प्रभु, जय विजय हो भगवान जी, हे प्रभु, खूब नंतान पुति संतान रही है भगवान। सुबु ढोल ए तक ना ए तो करूं ए तक नहीं उठोन यो मुडो पार मुडो पारा मनी डोय इशो पारो यक बोल यक यक तू यक बोल। तो हमारा जो कल्चर है वो ऐसा ही है, तो इसे बोलते हैं फूलदेई त्यौहार। और इसमें आपने देखा कि जो घोगा होता है, ये तो सीता हूं एक मिनट, घोगा को चाय घर घर में लाया जाता है और ऐसे ही नचाया जाता है, तो ऐसे ही फूल डाले जाते हैं हर घर में, तो ऐसा ही होता है। और ये काफ़ी खूबसूरत सा कल्चर है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये कल्चर कैसा लगा। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है नमस्ते गढ़वाल नाम से, तो आप वहाँ पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं हमारे कल्चर, हमारे ब्यूटी, हमारे उत्तराखंड के बारे में। और तब तक ले लेता हूँ अलविदा और आपको दिखाएंगे कि कैसे फूल को चुना जाता है, और शाम को चलेंगे अब सीधे फूल को चुनने के लिए उनके साथ। तो अभी फाइनली मौसम शाम का है और सनसेट का मौसम है, तो मैंने ऊपर देखा इधर ऊपर कि जो बच्चे हैं वो फूल लेने जा रखे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखाते हैं कि कैसे जो बच्चे हैं वो फूल चुनते हैं और जो फूलदेई त्यौहार को कैसे मनाते हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि मैं बाहर पे आया और मैं कुछ काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जो बच्चे हैं वो फूलों को चुनने जा रखे हैं और फूलों को तोड़ के ले आ रहे हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में पूरा बताऊंगा कि मतलब बच्चे कैसे जो वर्क करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं और कैसे जो फूलदेई त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करते हैं, और उस बारे में आपको बताऊंगा। तो ये हमारे खेतों के रास्ते हैं, और दरअसल अगर आजकल आप किसी के खेत में घुस जाओगे तो आप लोगों की डांट खाओगे, क्योंकि जो लोगों की फसल है वो बर्बाद हो रही है। तो अभी मुझे कोई देख तो नहीं रहा है, तो चलो चलते हैं और ढूंढते हैं बच्चों को, क्योंकि मैंने उन्हें इधर देखा। तो फाइनली जो मुझे छोटे मिल गए, और इसका नाम है सुब्बू। क्या है तेरा नाम? सुब्बू। तेरा नाम क्या? आयुष। इसका नाम है अंबिका, और ये यहाँ पे आए हुए थे फूल तोड़ने के लिए, तो दिखा अपने फूल। और इसको बोलते हैं हदगुनी, और इसमें है फूल। तो जो फूल होते हैं वो ऐसे तोड़े जाते हैं, और इसने तोड़े हैं फेली, तो आपको दिखाते हैं। इसको बोलते हैं हदगुनी, और ये जो रिंगाल से बनाई जाती है, और इसमें इसने पूरी फेली तोड़ रखी है। और तूने क्या तोड़ा है? और इसके इसमें है बुरांस। ये बुरांस तोड़े क्यों नहीं तूने? बुरांस के लिए नहीं तोड़े तो है? क्या बोलती है मम्मी? तोड़ना। इसकी मम्मी ने बोला इसे तोड़ो मत फूल। के लिए बोली? ना
झूठ बनो सो अच्छा झूठ झूठ के लिए बनो शुभ तो फाइनली जो इनका प्लान था वो ये था कि ये बोल लेते हम घर जा रहे लेकिन मैं लेके आया इनको इस रास्ते से और इधर से इनको फूल दिखाएंगे जहाँ जहाँ पे फूल होंगे वहाँ वहाँ पे इनको फूल तोड़ने के लिए बोलेंगे और यहाँ से इनको फूल मिल जाएंगे है ये चुप भापड़ी बकम हुए तू तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनके लिए फूल मिलते हैं तो फाइनली जितने जितने फूल मिले उतने तो तोड़ लिए और इस बार बारिश कम हुई तो उस वजह से जो खेतों के किनारे पे फ्यूली वगैरह है वो कम ही हुई है तो पहले बहुत ज़्यादा होती थी लेकिन अभी कम हुई है और अभी पहुँचे हैं घर के पास और अब तो खेतों पे कई फूल है नहीं तो इनको लेके चलते हैं घर आ अरे और पीछे का जो मौसम है काफ़ी खूबसूरत है काफ़ी पसंद आया होगा आपको ये वाला मौसम तो है आ चल दिया तुम इतना कहा लेना ठीक छे मैं तो चप्पल सोल्टा पैर चल आ चल क्या है मुझे फूल फूल ये देख की ये देख दिन्दु कार ए दिन्दु यो दिन्दु यो यो तो ए दिन्दु शो तब फूल यो तो कैसा सीजन कैसे भाग रहे हैं तो फाइनली जो बच्चे हैं वो भी घर चले गए हैं क्योंकि जो रनर फूल निकाल लिए और अब वो सीधे कल सुबह आएंगे घर घर पे फूल डाले तो तब उनको देखेंगे और अभी मैंने थोड़ा बहुत उनके साथ अपना पुराना टाइम जो है वो शेयर किया और थोड़ा अपना पुराना टाइम जो होता है वो रियलाइज़ किया कि कैसे मैंने अपना पुराना टाइम जो अपनी मेमोरी है उनको तरोताज़ा की उनके साथ और आज अचानक ही मैंने उनको देखा वरना अगर मैं उन्हें नहीं देखता तो शायद मैं उनके साथ नहीं जाता और मुझे अपनी जो मेमोरी है वो याद नहीं होती तो अभी मुझे वो दिखे तो मैं उनके साथ गया और कैसा लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लेते हैं छोटा सा ब्रेक तो चलिए फाइनली कुल्हाड़ी तो मिल गई है और अभी घर चलते हैं और आपको जो ये फूलदेही का त्यौहार है ये कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अभी तो पैर पे चोट ही है तो उसका जो बहुत गंदा असर होने वाला है और आपको बता दो कि और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पे हैंडल नमस्ते गढ़वाल नाम से है और वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और अगर मुझसे कोई क्वेश्चन कोई सजेशन या कुछ भी पूछना होगा या आपका मेरे लिए कोई सजेशन होगा कि मतलब मैं किस टाइप की वीडियो बनाऊँ या किस टाइप का मैं कोई अपडेट करूँ अपनी वीडियोज़ में तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और
इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूले, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट में बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, और ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए ब्लॉग्स में, नए नए लोकेशन के साथ, नए नए कल्चर के साथ, नए नए जो उत्तराखंड की लाइफस्टाइल होती है उसकी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय दोस्तों।